दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। इन बीसी न्यूज की खास मुलाकात में हम हर हफ्ते आपसे खास लोगों से पहचान करवाते हैं और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं पारेख ब्रदर्स की डॉटर स्नेहा पारेख। मैम, मैम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों चूंकि शादी का सीजन है और इस शादी के खूबसूरत सीजन में एंटिक ज्वेलरी, वेस्टर्न और ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो है वो भला कौन पहनना पसंद नहीं करता, लेकिन जब बात आती है कि ओरिजिनल और आर्टिफिशियल में फर्क कैसा मतलब कैसे करें, डायमंड ज्वेलरी पहनने की इच्छा हर किसी की होती है, लेकिन डायमंड ज्वेलरी खरीदने के पीछे भी बहुत सारे मिथक होते हैं कि एक्चुअल में सही रेट में सही मार्जिन में डायमंड ज्वेलरी हमें कैसे मिलेगी। तो कई बार होता है कि हम किसी एड को देख के या फिर अपने नॉलेज के हिसाब से ज्वेलरी लेने जाते हैं, लेकिन एक जब आप कोई अच्छी पर्टिकुलर ज्वेलरी को पसंद करते हैं तो उसे लेने के लिए आपको एक अच्छे से शोरूम जो कि काफी नामी गिरामी हो और बहुत पुराना हो और आपको आपके हिसाब से सारी ज्वेलरी मनपसंद की मिल जाए तो क्या बात है। जी हाँ, और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने स्नेहा मैम को हमारे स्टूडियो में खास तौर पर आमंत्रित किया। सबसे पहले तो स्नेहा मैम आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को बताइए। हाय, स्नेहा पारेख फ्रॉम पारेख ब्रदर्स ज्वेलर्स। आई एम अ ग्रेजुएट डायमंड। मेरा मेन तो शोरूम से 10 ईयर्स से मैं इन्वॉल्व हूँ बिजनेस में। क्या बात। और मेरा पैशन रहा है हीरा। तो हीरा ऐसा है कि वर्ल्ड में GI नाम अगर जो किसी ने सुना होगा तो मैं वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और हीरे की परख मेन है मेरे लिए। मेरे क्लाइंट्स को मैं अगर जो हीरा सेल करती हूँ तो पहले उनको एडुकेट करती हूँ हीरे के बारे में और वो हिसाब से उनको बताती हूँ कि आपके लिए फॉर एग्जांपल हम लोग क्लैरिटी, कट, कलर की बात करते हैं, ये सब सर्टिफिकेशन में अवेलेबल रहता है। लेकिन हमारे GI सर्टिफिकेशन में मेन ये रहता है कि उसमें कटिंग के बारे में एलोबरेशन दिया रहता है। तो जैसे कटिंग हम लोग बोलते हैं कि एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सो XXX कटिंग हम लोग सेल करते हैं। तो ये क्लाइंट को नॉलेज नहीं रहता है। फ्लोरोसेंस के बारे में बोलते क्या है तो हम बोलते कि नॉन फ्लोरोसेंट हीरा ज़्यादा अच्छा रहता है, नॉन मिल्की हीरा ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये चीज़ें पहले हम अपने क्लाइंट्स को एडुकेट करते हैं, फिर उनको उनकी बजटिंग के हिसाब से उनकी कितनी क्या कैरेट वेट चाहिए हम उनको सजेस्ट करते हैं। तो कस्टमाइजेशन इज आर मेन पॉलिसी एट पारेख ब्रदर्स ज्वेलर्स। एंड हम पूरा एक परिवार है जो 1947 से हम लोग ये बिजनेस में इन्वॉल्व है, पायनियर्स रहे हैं नागपुर के ज्वेलरी बिजनेस के। मैम आप फोर्थ जनरेशन है, कैसा महसूस करती हैं आप एक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आप लोगों का जो है वो विश्वास बहुत से लोगों पर है और उसी विश्वास पे आप खरी उतर रही हैं। आपने कहा कि आप GIA सर्टिफाइड ज्वेलरी को मतलब मेन वो करती हैं और आजकल के ट्रेंड की अगर बात की जाए तो आप आज के हिसाब से ज्वेलरी डिजाइन करती हैं या फिर कैसा मतलब करती हैं, हमारा टेक्निक क्या है? हमारा जैसे न्यू शोरूम अभी आया है शंकर नगर चौक पे, तो वहाँ पे हमारा अनकट डायमंड ज्वेलरी भी बहुत इन है, यंग जनरेशन को बहुत लुभा रहा है। उसमें अनकट डायमंड का खासियत ये है कि वो थोड़ा बड़ा दिखता है और लाइट वेट भी हम लोग ने उसमें न्यू डिजाइन पूरी इंट्रोड्यूस किए। तो फैशन वेयर अपने फैशनेबल आउटफिट्स लाइक कॉकटेल गाउन्स के साथ भी अच्छे लगते हैं, नॉट जस्ट ट्रेडिशनल वेयर, वी प्रमोट अ फैशन वेयर ब्रांड। तो पारेख ब्रदर्स हम ऐसे ब्रांड बनाना चाह रहे हैं जो एक यंग जनरेशन को भी बहुत लुभाए, नॉट ओनली ट्रेडिशनल वेयर। क्या बात है मैम। मैम ये बताइए कि पर्टिकुलर जब कोई आपके पास कस्टमर कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन लेकर आता है चाहे वो वेस्टर्न हो या फिर ट्रेडिशनल, तो सेम टू सेम वही ज्वेलरी बन जाती है या फिर आप अपने हिसाब से भी कोई सजेशन देते हैं? एक्चुअली कस्टमाइजेशन आजकल की प्रथा हो गई है क्योंकि क्लाइंट मोबाइल लेके आता है शोरूम में कि मुझे एग्जैक्टली यही चीज चाहिए, तो हम उनको बताएंगे कि इससे बेटर भी हो सकता है, इससे 10 चीज हम आपको बेटर भी बताएंगे, लेकिन अगर उनका मन है वही चीज के लिए तो हम उनको एज इट इज भी उनको कस्टमाइजेशन में बेस्ट डिजाइनिंग करके उनका अप्रूवल्स लेके उनको डिजाइन करके। जी मैम, चूंकि आप डायमंड का बहुत नॉलेज रखती हैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहूंगी कि एक्चुअल में
डायमंड कैसे बनता है, उसकी प्रोसीजर क्या है? नेचुरली डायमंड जैसे जमीन से निकलता है, डायमंड इन इटसेल्फ इज नथिंग बट अ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम एक पेंसिल की नोक भी कार्बन होता है और कार्बन अपना डायमंड भी होता है। बस डायमंड जमीन में जब हाईएस्ट प्रेशर टेम्परेचर के नीचे आता है तो अपना मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इतना सुंदर तैयार करता है एकदम सिंक्रोनस वे में कि वो इतने भार सहन करने के बाद भी बहुत खिलके एक नया चीज आता है जो हीरा रहता है, मतलब चमकता है। हाँ जी। और मैम कहते हैं कि असली हीरे की पहचान एक असली जौहरी को ही होती है, तो 10 साल के एक्सपीरियंस में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि यार ये मैं हीरा जो है वो नहीं पहचान पा रही हूँ, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? एक्चुअली हीरा पहचानना भी एक काफी अच्छा प्रोसेस है। हाँ जी बिल्कुल। तो वी हैव प्रॉपर लैब्स विच आर इन आर इतवारी शोरूम, वी हैव माइक्रोस्कोप्स, वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स फॉर टेस्टिंग द डायमंड्स। सो आजकल न्यू लाइक CVD बोलते हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स भी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं और हो चुके काफी, तो उसको भी परखने के लिए देयर आर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, जो हम लोग अपना पारिक ब्रदर्स में कंप्लीट लैब रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, क्या बात है क्या बात है। मैम ये बताइए कि डायमंड का यूज आजकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत यूज हो रहा है, स्पेशली 1 कैरेट, तो एस्ट्रोलॉजी में डायमंड का यूज कितना सही है? मैं एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी बिलीव करती हूँ, बिकॉज एवरी थिंग इज साइंस इन दिस वर्ल्ड, योर एग्जिस्टेंस इज साइंस। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज़ है कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी बोल रहे हैं कि ये कलर स्टोन आपके लिए अच्छा है या ये टाइम पीरियड के लिए अच्छा है या ये डायमंड आपको पहनना चाहिए, तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चीज़ें एक रेडिएशन आपको अब्जॉर्ब करती है बॉडी में। तो वो 1 कैरेट इसलिए बोलते हैं आपको पहनने के लिए क्योंकि वो साइज ऑफ द डायमंड इज डिपेंडेंट ऑन द वेट ऑफ योर बॉडी। तो कंप्लीट बॉडी अगर आपका एक्स है तो उसकी प्रोपोर्शन में आपको कैरेट वेट आपको बताया जाता है। तो हाँ बहुत अच्छी चीज़ है हीरा अगर जो एस्ट्रोलॉजिकली पहनना है तो। जी 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 मैडम, ये बताइए कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप इसी इसमें हैं, आप 4th जनरेशन है, तो जब आप घर पे बहुत छोटी थी, आप घर पे इस टाइप की चीज़ें देखती थी, तो क्या आपके दिमाग में तभी से आया कि नहीं मुझे भी इसी फील्ड में जाना है, इसी का नॉलेज लेना है? एक्चुअली हम लोग बोलते हैं खून से ही जौहरी है, तो हमारा जो ब्लड में ये है क्योंकि हम लोग घर हम देखते थे अपने पेरेंट्स लेट आते थे शोरूम से, 9 बजे जाते थे और 10 बजे आते थे, तो हमने हमारे फादर को इतना हार्डवर्क करते हुए देखा है, हमारे पेरेंट्स को देखा है। आज भी मेरी अगर जो कोई ये लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरे दादाजी बोलते कि बेटा हैव यू बीन टू द शोरूम, हाउ मेनी आवर्स हैव यू गिवन, तो वो मुझे उनको जवाब देना रहता है। तो वो है हमारी जनरेशन में। मतलब स्टार्टिंग में ब्लड में है वो तो समझ में आ गया, लेकिन आपको कभी इच्छा नहीं हुई कि नहीं यार ये फैमिली बिजनेस से अच्छा किसी और फील्ड में जाना चाहिए? आई मीन आपका इंटरेस्ट जो है वो किसी और फील्ड में भी है? जैसे इंस्टेड ऑफ ज्वेलरी मुझे एक वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा। तो वेलनेस ऐसी चीज है कि वो वेलनेस कोचिंग रहती है, तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ पिक बुक करके ऑर्गेनाइजेशन है, तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ अ रीडिंग क्लब, so I enjoy that space जहाँ बच्चे खिल के आते हैं after the reading of the books and everything they grow in their personality, the personality development and everything is my another passion. Great, मैम हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जो अभी की generation में हैं और वो इस field में आना चाहती है especially jewelry design से related, आप एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ मतलब कहना चाहेंगे कि आप ideal है अभी की यूथ के सामने, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली फॉर यंग जनरेशन आई वुड जस्ट अपील टू द यंग जनरेशन, गो एंड फॉलो योर पैशन, वेयर यू फील दैट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट इन योर करियर, प्लीज बी देयर। अगर आपको एक्साइटमेंट नहीं आ रही है तो वहाँ से आप एक राह नहीं चुने आपके लिए जो आपको पैशन की तरफ ले जाएगी। अगर ज्वेलरी में अगर पैशन है, डिजाइनिंग में पैशन है, कॉन्टेंट राइटिंग में पैशन है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको क्रिएटिव आर्ट की तरफ पैशन है, तो व्हाई नॉट चूज अ फील्ड वेयर यू कैन ग्रो टू अनदर लेवल्स आल्सो। मतलब ज्वेलरी डिजाइन में भी आप अपना करियर बना सकती हैं। हाँ जी। और इसमें भी बहुत सारे फील्ड है जिसमें आप अपना इंटरेस्ट दिखा सकती हैं। हाँ जी, उसके भी कोर्सेज रहते हैं हमारे GI में, ज्वेलरी डिजाइनिंग कोर्सेज रहते हैं हमारा, जैसे
शोरूम पे ही मैं, मेरे भाई, अभी मेरी सिस्टर, वी आर ऑल जेमोलॉजिस्ट. तो जेमोलॉजिस्ट होना एक प्रैक्टिकल नॉलेज देता है कि आज आप कोई चीज ले रहे हो सप्लायर से या फिर आप सेल कर रहे हो, आपको उस चीज की हर चीज की फर्क है. तो वो कोर्सेज करना बहुत एक यूजफुल रहेगा यंग जनरेशन, मतलब नॉलेज के लिए. और जहां तक मुझे पता है तो एक ज्वेलरी डिजाइनर के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए देखता है. हाँ जी. तो मैम ये बताइए, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि ये आजकल जो आम धारणा है स्पेशली बहुत से लोगों के मन में आती है कि जो डायमंड ज्वेलरी है वो सिर्फ हाई फाई और हाई क्वालिटी के लोग ही प्रेफर कर सकते हैं, क्या ये मिडिल क्लास का व्यक्ति अगर वो डायमंड ज्वेलरी लेना चाहता है तो क्या नहीं ले सकता है? एक्चुअली मैं बोलूँगी आजकल मेरे शोरूम में जो डायमंड ज़्यादा लेने आता है मिडिल क्लास है, बिकॉज उनको 25,000 से रिंग्स मिल जाती है. तो अपनी वाइफ्स, अपनी गर्लफ्रेंड्स या फिर अपनी फैमिली के लिए दे लव टू गिफ्ट फॉर स्मॉल ओकेजन्स फ्रॉम देयर सैलरीज ऑल्सो. सो दैट इज़ वेरी अनट्रू कि वो चीज़ महंगी है. महंगी है जब तुम कुछ बड़ा लोगे, लेकिन छोटा छोटा कुछ करना है तो हमारे यहाँ स्कीम्स भी रहती है, मंथली स्कीम्स रहती है कि 11 मंथ्स आपने पेमेंट की, 12th मंथ को आपको फ्री हो जाते हैं. तो अलग अलग स्कीम्स हम लोग लॉन्च करते हैं. मतलब अगर आपकी इच्छा डायमंड लेने की है तो आप पारिक ज्वेलर्स में जाके अपनी वो इच्छा पूरी कर सकते हैं. और मैम थोड़ा सा आपने अभी स्कीम के बारे में बताया, तो किस टाइप की स्कीम रहती है वो हमारे दर्शकों को बताइए. एक्चुअली presently for Diwali we are started a scheme of around 20% making charge discount with diamond jewelry. So baki to hamare yahan complete house of antique and gold and silver platinum ye sab kuch available hai. Usme bhi hum 10% making charge discount is with our clients go for the lekin mam monthly agar koi lena chahe to monthly in एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ऐसा रहता है कि स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं और टोटल 12 मंथ्स कंप्लीट होने पे आप उसको कंप्लीट फॉर एक्सचेंज ऑफ ज्वेलरी यूज कर सकते हैं. ओके ओके ओके, मतलब ये स्कीम भी आपके ज्वेलरी शॉप में अवेलेबल है. और आपके शोरूम की क्या खास बात है मैम, कैसे कस्टमर को कैसे डील करते हैं? एक्चुअली हमारा शोरूम अभी शंकर नगर वाला जो हमने शुरू किया है, तो उसका एक इंटीरियर हमने बहुत मॉडर्न इंटीरियर किया है. तो सब क्लाइंट्स आके पहले तो खुश होते हैं कि इतना वेस्टर्न लुक फॉर अ ज्वेलरी शोरूम हमने तो कभी नहीं देखा, हमने तो सिर्फ ट्रेडिशनल और ब्लिंगी शोरूम देखे, स्पेशली नागपुर में तो और नहीं. हाँ जी. तो हमारा ये दुबई आर्किटेक्चर, दुबई इंटीरियर स्टाइल पूरा हमने किया हुआ है, तो उससे क्लाइंट बहुत अप्रिशिएट करते हैं. और डिजाइंस तो अमेजिंग, बहुत अच्छा डिजाइंस आपका. मैम और एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि डायमंड्स के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ डायमंड. अगर वो डायमंड लेना चाहता है तो नॉर्मली ये पूछता है कि आपके पास किस टाइप के डायमंड्स अवेलेबल है. मतलब आप बताइए कि वैरायटी ऑफ डायमंड्स क्या है. डायमंड में जैसे रहता है कलर और क्लैरिटी एक रेंज रहती है. तो कलर जैसे हम लोग के यहाँ पे डी कलर से शुरुआत होती है. जो कलरलेस डायमंड्स जो बोलते हैं डी ई एफ जी, ये कलरलेस डायमंड्स है. तो हम लोग वो प्रमोट करते हैं. क्लैरिटी में हम लोग प्रमोट करते हैं लाइक VVS, VS, ये सब हम लोग प्रमोट करते हैं. ये सब अच्छी क्वालिटी के हीरे रहते हैं. हम कोशिश करते हैं हमारे क्लाइंट के पॉकेट में भारी ना लगे. अच्छी क्वालिटी भी हम लोग कंपैरेटिवली गुड मेकिंग चार्जेस, गुड रेट्स पे अवेल करते हैं, तो हमको काफी अच्छे रिस्पांस आते हैं क्लाइंट से. लाइट वेट भी हो ज्वेलरी में, डायमंड आपका उस पर भी ध्यान दे. हाँ जी, जैसे मैंने बोला पोल की ज्वेलरी, तो अनकट डायमंड्स जो है हमेशा भारी भारी देखा है, पर हमारे यहाँ आएंगे तो हम लोग इवन छोटी चेन सेट्स में भी पोलकीज रखे हुए, तो वो हमारा स्पेशलिटी. ग्रेट मैम, क्या एक सवाल और पूछना चाहूंगी, क्या बताइए कि हीरा डायमंड तो हर चमकने वाली चीज हीरा कहलाती है. हर चमकने वाली चीज हीरा कहलाती है. एक्चुअली मैं हीरे को एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ भी रिलेट करती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर आप यहाँ पे चेयर पे बैठे हैं और आप ये इंडस्ट्री में आपने काफी समय दिए होंगे, लेकिन आप आज इतना निखर के इसलिए आते हैं क्योंकि आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव
टेकन द प्रेशर एंड एग्जैक्टली वो स्ट्रेस के बावजूद आप एक खिल के आते हो, तो हर ऐसी चीज जो प्रेशर और स्ट्रगल के साथ स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ती है, तो हर ऐसी चीज को हम हीरे से रिलेट करना चाहते हैं। क्या बात है मैम, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है कि जिंदगी में कोई भी चीज यूं ही नहीं मिलती। अगर आपको चमकना है, आपको हीरे जैसा अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो उसके पीछे आपको बहुत से आपका स्ट्रगल है, स्ट्रेस लाइफ है, और बहुत सी चीजें हैं जो आपको एक्सेप्ट करके आगे चलना है, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। मैम आज तक तो ये बात किसी ने कहा नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात आपने कही है और आपने साबित कर दिया है कि असली हीरे की पहचान एक जौहरी को ही होती है। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको स्वागत करती हूँ स्नेहा पारेख मैम का हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपको मैं बता दूं कि इस हफ्ते हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे विशेष गेस्ट जो हैं वो स्नेहा पारेख मैम थे, जो कि पारेख ब्रदर्स से आई हुई हैं। इनके शोरूम की बनावट के साथ ही साथ इनके शोरूम में जितनी भी वैरायटी की ज्वेलरी है, चाहे वो वेस्टर्न हो, ट्रेडिशनल हो या फिर एंटिक ज्वेलरी है, तो आप इनके शोरूम में जाकर ज़रूर विजिट करें। एंड आई नो मैम की बहुत सारी स्कीम है, तो इसका फ़ायदा हमारे ऑडियंस को भी मिलेगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। इसी के साथ यहाँ पर आज खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं देती हूँ इजाज़त, और तब तक के लिए आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।